हेलो माय डियर व्यूअर्स, ये वीडियो में ना आपको मैं बताने वाला हूँ कि मैं जो मोटो व्लॉग बनाता हूँ वो मैं कैसे बनाता हूँ। ये देखिए, मैंने एक चेस्ट रैप मंगा रखा है और आप देख सकते हैं ये मेरा एक चेस्ट रैप है। ठीक है, ये मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया था, 300-400 रुपया पड़ा था। ये देखिए, अच्छा से दिखा देता हूँ, ये मेरा चेस्ट रैप है और इसमें मैं दिखा दूँ आपको, ये मैंने अलग से खरीदा था, ये मुझे अलग से खरीदना पड़ा था। ठीक है, इसमें ये माउंट होल्डर है, इसमें मैं अपना मोबाइल को लगा देता हूँ। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी मोबाइल से आप कीजिएगा ना, अगर आपको मोटो व्लॉग करना है वो भी मोबाइल से करना है, तो एक चीज का खास करके ध्यान रखिएगा कि उसमें EIS जरूर से लगा हुआ रहना, उसमें EIS का फीचर जरूर से होना चाहिए। बिकॉज आप जब बाइक चलाइएगा या स्कूटी चलाइएगा, जिससे भी आप व्लॉग बनाइएगा, तब जाने के दरमियान जब व्लॉग बनाइएगा तो उस दरमियान आपका गाड़ी तो हिले करेगा। ठीक है, हिलेगा ही हिलेगा। ठीक है, सो उस टाइम पे आपका EIS जो है, इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजर, वो कॉम्पेंसेट कर, ठीक है, स्मूथ बनाता है, वीडियो को स्मूथ बनाता है। तो बस ये देखिए, ये मेरा छोटा सा सेटअप है, अभी मैं इसको इसमें माउंट करने वाला हूँ। बड़ा सिंपल सा यहाँ पे मैकेनिज्म दिया हुआ है, इसमें नट दिया हुआ है और इसमें बोल्ट, तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, दैट्स इट, गुड टू गो। तो गाइस, ये है मेरा फाइनल सेटअप, देखिए। ठीक है, मैंने लगा रखा है ये चेस्ट रैप, साथ में ये मैंने ये फिक्स किया है, उसके ऊपर ये मैंने माउंट कर दिया है मोबाइल। ठीक है, और एक चीज का मैं खास ध्यान रखता हूँ कि मेरा EIS ऑन है। देखिए, थोड़ा जो सेटअप है ना, जो वीडियो है, थोड़ा सा करीब से नजर आ रहा होगा, क्योंकि EIS क्या करता है ना, स्ट्रेच आउट कर देता है वीडियो को, स्ट्रेच आउट कर देता है स्मूथन अप करने के लिए। तो दैट्स इट, चलते हैं आज का ब्लॉग में, बने रहिएगा।